हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, हब को कैसे चेंज किया जाता है उसको बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और लास्ट तक देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके कि फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो फ्रंट लोड होती है तो उसके अंदर हब को कैसे चेंज किया जा जाता है, चेंज किया जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका जो ऊपर की जो बॉडी होती है वो आपको खोल लेनी है। चार स्क्रू लगे हुए हैं, उसके साथ आपको चार स्क्रू खोल लेने हैं। उसके बाद आपको बीच वाला जो पल्सेटर है वो खोल लेना है, ठीक है। मैंने जो है ये सब सामान खोल रखा है, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं पल्सेटर को बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों, पल्सेटर को बाहर निकालने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये हब जो है, ये हब जो यहाँ लगा हुआ है जो पूरी तरह से जो टूट चुका है, जिसकी वजह से हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो ये टूटा हुआ है, जिससे मैं इसको ड्रम को पहले से ही बाहर ले लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हब जो है टूट चुका है, इसकी जगह हम ये हब नया लगाने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम उस पुराने हब की जगह ये नया हब लगाने वाले हैं। ये LG कंपनी का टॉप लोड का हब है, इसकी जगह हम नया हब और ये चेक नट भी जो है नया लगाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उस हब को जो है चेंज करते हैं। उससे पहले हमें जो पुराना जो हब अंदर बॉडी में पहुंचा उसको तोड़ के निकालना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ही हम ये हब जो नया है जो अंदर फिट करके निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमने ये पुराना हब जो है तोड़ के बाहर, पूरा चित्र से तोड़ा के बाहर निकाल लिया है। इसकी जगह अब हम जो है नया हब लगाने वाले हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था, इसकी जगह अब हम जो है नया हब लगाने वाले हैं। तो ये आइए दोस्तों, अब हम इसको खोलते हैं और नया हब लगाते हैं। तो आपको दोस्तों, फिटिंग करने से पहले इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है, ये जो नट के अलावा जो लॉक है वो आपको इस लॉक के अंदर बराबर प्रॉपर तरीके से जो फिटिंग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको अब इस तरह से इसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है फिटिंग कर देना है, उसके बाद हम जो इसको बॉडी में फिटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर से हमने पुराना हब जो है तोड़ के बाहर निकाल लिया है। इसकी जगह अब हम जो हमने ड्रम में नया जो हब लगाया है उसको इसके अंदर फिटिंग करने वाले हैं।
तो दोस्तों सिंपली अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है ये जो चेक नट अंदर का है वो आपको जो है फिटिंग करना है। आप चाहे तो किसी से या अंदर वाला ड्रम किसी से पकड़वा सकते हैं या खुद से पकड़ के आप इसको टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के बाद आपको घुमा करके देखना होगा कहीं से ये लूज तो नहीं है या कहीं जो है ये कहीं से अड़ तो नहीं रहा है, वो आपको पूरा जो है चेक कर लेना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर वाला जो है कवर फिटिंग कर देना है। फिटिंग करने के बाद आपको फिर से एक बार और घुमा कर देख लेना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।